उज्जैन शहर सहित संपूर्ण जिले के अंदर नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत सदस्य, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पंच चुन रहे हैं और व्यवस्था संभालने के लिए शासकीय अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। चुनाव केंद्र पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के ही वाहन और पर्स चोरी हो गए। जब शासकीय कर्मचारी अधिकारी की चोरी की शिकार हो जाएंगे तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो पाएंगे, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो पाएंगे? चोरों के हौसले और हिम्मत इस कदर बढ़ी हुई है कि उज्जैन पुलिस से निडर होकर डर को त्याग कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अपना शिकार बना रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जनपद पंचायत उज्जैन। किस पद पर काम करते हैं? सहायक ग्रेड 3। कितना अमाउंट था पर्स के अंदर, कैसे चोरी हो गया? लगभग 2500 के करीब था, 2500। एटीएम वगैरह और तीन दस्तावेज वगैरह भी होंगे? हाँ, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फ़ोटो थे उसमें। पोस्ट ऑफिस की जो एक डाक पहुँचाई थी भोपाल सज्जनालय, वहाँ की एक स्लिप थी और डाक टिकट थे 7-8 रुपये के करीब। राजेश मालवी। राजेश जी, आप कहाँ पर, किस विभाग में काम करते, ड्यूटी करते हैं? मैं ग्राम पंचायत चंद्रदेवी में सहायक सचिव। आपकी बाइक कहाँ से चोरी चली गई, कहाँ से गई बताइए? मेरी बाइक ये दसाना AR सेंटर है। अच्छा, निर्वाचन का सरपंच पंच के लिए। हाँ, तो वहाँ पर अंदर फॉर्म भर रहा था मैं जी, और इसी बीच में बाहर से गाड़ी चोरी हो गई, अज्ञात हो गया। तो वहाँ तो CCTV कैमरे लगे हुए रहते हैं, निर्वाचन आयोग के निर्देश भी है कि CCTV कैमरे लगाए रहना चाहिए। नहीं, बट वहाँ पर कैमरे वगैरह कुछ भी नहीं। कैमरे में कुछ नहीं? नहीं। और जनपद में यहाँ पर किसकी चोरी हुई? यहाँ पर सचिव मेंबर से चोरी। हाँ, उनकी बाइक भी चोरी हो गई कल शाम। वो पर्स किन का गया? पर्स अंदर से किसी स्टाफ का गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।